मैं बता रहा हूँ ना, और मेरे को याद करोगे सीए बनने के बाद, ये बंदे ने सही बोला था कि सीए बनने के बाद सच में लाइफ सेट है। मैं आपको बताऊँ, मैंने मेरा इस लेक्चर में 100% डाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना 100% देखे तो देखो, एक बार 100% डाल के तो देखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके तो देखो एक बार। आगे की जिंदगी बहुत अच्छी है अगर आप सीए बन जाते हैं। और मैं बताऊँ, अभी इंस्टीट्यूट में आपने सुना था कि लाइक प्रेसिडेंट ने बोला कि गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है, उनको सीए चाहिए, और आने वाले जैसा बोल रहे हैं 20 साल के अंदर अंदर उनको 20-25 लाख सीए चाहिए इंडिया में, और इतने ज्यादा अभी तक सीए कितने हैं, 3-4 लाख सीए है, उनको 20-25 लाख 30 लाख के करीब सीए चाहिए। कहाँ से आएंगे? हम ही में से बनेंगे, और हम ही बनने वाले हैं, और आपके एग्जाम के लिए जो भी लाइक रिजल्ट रहेगा वो अच्छा रहेगा। बस थोड़ा एफर्ट और लगा लो, थोड़ी मेहनत और कर लो, इस बार कर लो, जो है वो एक बार कर लो, अपने आप को बोल दो कि बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आया ठीक है, नहीं आया छोड़ देंगे करके, ठीक है, बट इस बार पढ़ेंगे, इस बार जो पढ़ रहे हैं, जो आप एग्जाम दे रहे हो, आपका ये टारगेटेड अटेम्प्ट है, जस्ट गिव योर 100% इन दिस एग्जाम। अगर मैं मान लो बीमार होने के बाद भी, ये कोई मैं बहाना नहीं बना रहा हूं, मैं बीमार होने के बाद भी अगर मैं आपके लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूं, मैं एफर्ट डाल सकता हूं, तो आप भी तो डालो, एक बार डाल के कोशिश तो करो यार, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना। और मेरे को याद करोगे सीए बनने के बाद, ये बंदे ने सही बोला था कि सीए बनने के बाद सच में लाइफ सेट है। एटलीस्ट आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, जॉब करना इजी है, जॉब करना इजी है, प्रैक्टिस करना इजी है, पढ़ाना इजी है, पढ़ना डिफिकल्ट है। और एक बार अगर आप पढ़ लिए ना, इससे बाहर निकल गए ना, उसके बाद तो सच बता रहा हूँ बहुत अच्छी है लाइफ, सच में अच्छी है। आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो इस चीज को लेके, बिकॉज सीए बनने के बाद आप कमाओगे, सैटरडे संडे फ्री रहेगा, पार्टी करोगे, कोई टेंशन नहीं, मंडे टू फ्राइडे जॉब करो या मंडे टू फ्राइडे कुछ भी काम करो, सैटरडे संडे जो है वो फिर पार्टी करो, मस्त लाइफ को एंजॉय करो, जो भी आपकी जो हॉबीज है, जो आपका पैशन है, जो आपको पहले से लगता था ये एक्सप्लोर करना है, ये करना है, वो करना है, वो सैटरडे संडे को आप अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करना, बट उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, उसके लिए जो क्या बोलते हैं हिंदी में, बलिदान तो देना पड़ेगा। और बलिदान आपके लिए यही है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, दिन में 10-12-15 घंटे इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, हर दिन आप अपने आप को इवेल्यूएट करो कि जो कल था क्या आज मैं उससे बेटर हूं या नहीं, क्या मैंने आज उससे ज्यादा पढ़ाई की है या नहीं करके, ठीक है। और पढ़ाई करनी है यार, बाकी सब डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में, जो भी आपको चीजें डिस्टर्ब करती है छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया में कोई साथ में नहीं आता। मैं बताऊं ना, जब इंसान के पास में कुछ होता है लोग पूछते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं है कोई नहीं पूछता। आज मुकेश अंबानी को हर कोई पूछ रहा है, बिकॉज बंदे के पास पैसे, अनिल अंबानी को कोई नहीं पूछ रहा है, टाइम की बात है, सबका टाइम आता है करके, ठीक है। तो भैया अपना भी टाइम आना चाहिए, और वो आएगा, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, बाकी आप खुशी से पढ़ते रहिए, जैसे हमारे शुभम सर बोलते हैं कि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो भाई आप लोग खुशी से पढ़ते रहिए, हैप्पी रहकर अपने आपको थोड़ा ऐसे अपना जो ऑरा है वो थोड़ा हैप्पी ऑरा क्रिएट करिए, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करिए, आसपास के लोग हैं थोड़े हंसते रहिए, खुश रहिए, और उसके साथ साथ में आप मेहनत करते रहिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चले जाओ, एंग्जाइटी हो जाए, नहीं वो सब नहीं, अपने आपको ऑल इज वेल बोलने का, गाना गाने का, गुनगुनाने का। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, जब बहुत ज्यादा टास्क हो जाते हैं, 8-10 टास्क हो गए, अब क्या क्या करें यार, परेशान हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है तो लाइक आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी होने लग जाती है। अगर ऐसा होता है क्या करने का, पता है, पहले तो जो सबसे इजी वाला टास्क है वो पहले कंप्लीट करो, और व्हेन यू विल कंप्लीट दैट टास्क यू विल फील बेटर। उसके बाद में आप लाइक जब भी आपको ऐसा लगे, आपका जो पसंदीदा गाना है ना, जितनी घटिया आवाज में गा सकते हो आप गाइए उसको, और गाने के बाद अपने आपको मिरर में देख के गाइए, मजा आएगा आपको करके, ठीक है। आप अपने आपको, और जब भी ऐसा होता है ना, आप अपने आपको थोड़ा मोटिवेट करिए, मोटिवेट करना पड़ेगा, बिना मोटिवेशन का कुछ नहीं होता, यू नीड द मोटिवेशन। आप बात करिए अपने आप से, मिरर में देख के बोलिए कि यार तूने इंटरमीडिएट क्लियर किया है, तूने फाउंडेशन क्लियर किया है, इतना सारा आर्टिकलशिप क्लियर किया है, तेरी लाइफ इतनी अच्छी है, बिकॉज आप जो लाइफ जी रहे हो ना, करोड़ों लोगों की वो ख्वाहिश होती है जीना, वो लाइफ आपको मिली है, बस इसके आगे अपने को कुछ ढंग का करना है, अच्छा करना है, बाकी सब चीजें अपने आप सेटल हो जाएगी। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर।